हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्ते। आप देखेंगे कि ये इसमें जीके से संबंधित पर्सन, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है। सभी तरह के क्वेश्चन होंगे इसमें, इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल, राजनीतिक विज्ञान। आप देखेंगे कि ये पहला क्वेश्चन, अबुल फजल के अनुसार सूफियों के कितने संप्रदाय थे? पहला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा 3 नंबर, 14। क्वेश्चन नंबर 2, झांसी को ब्रिटेन साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 2 नंबर, 1853। क्वेश्चन नंबर 3, महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 2 नंबर, पावा। क्वेश्चन नंबर 4, तृतीय एस्टेट ने फ्रांस में स्वयं को कब राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 17 जून 1789। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? 5 का आंसर होगा 1 नंबर, शाक्य। क्वेश्चन नंबर 6, दांडी यात्रा शुरू हुई थी? 6 का आंसर होगा 1 नंबर, 12 मार्च 1930। क्वेश्चन नंबर 7, मनसबदारी व्यवस्था में 1/3 और 1/4 का नियम किसने शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 3 नंबर, साझा। क्वेश्चन नंबर 8, करीब के गुरु थे? आंसर होगा 2, रामानंद। क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा को कब अंगीकृत किया गया? 9 का आंसर होगा 4 नंबर, 1776। क्वेश्चन नंबर 10, गौरीशंकर ओझा के अनुसार गुप्त शासक थे? 10 का आंसर होगा 4, क्षत्रिय। क्वेश्चन नंबर 11, खूनी रविवार की घटना के समय रूस में जार कौन था? 11 का आंसर होगा 2, निकोलस सेकंड। आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आरपीएससी द्वारा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लीज़ आप वीडियो को अपनों तक पहुंचाएं, दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, परिवारों तक पहुंचाएं। कोई सदस्य पढ़ रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, नौकरी की तैयारी कर रहा है, प्लीज़ आप उन्हें ये वीडियो शेयर करें, वो भी देख सके। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 12 का आंसर है 1 नंबर, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 4 नंबर, धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 14, यूनानी नाम अमित्रा चेटस किस मौर्य शासक का समानार्थी है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा 3, बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 15, इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष हुई? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा 2 1575। क्वेश्चन नंबर 16, मुगल शहर सूरत को शिवाजी ने किस वर्ष में लूटा? 16 का आंसर होगा 3 नंबर, 1664। क्वेश्चन नंबर 17, लोथल को किसने खोजा? 3 नंबर, एस आर राव।
इस तरह आप देखेंगे कि ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जीके के। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइबर करें। क्वेश्चन नंबर 18, किसने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के नाम से अगली तारीख का चेक की संज्ञा दी? इसका आंसर होगा 2 नंबर, मोहनदास करमचंद गांधी, पूरा नाम 2 नंबर, इसमें लिख रखा है मोहनदास गांधी 2 नंबर। 18 का आंसर होगा 2 नंबर। 19, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमचंद्र बनर्जी, सॉरी। 20, क्वेश्चन नंबर 20, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में जैन धर्म की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक इस जिले में था? 20 का आंसर होगा 2 नंबर, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 21, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार डीपीए चापों तथा डीपीए तोरणों का निर्माण परिणाम है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा 4, महासागरीय प्लेटों के अभिसरण का। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रति ध्रुवस्थ देशांतर होगा? 22 का आंसर होगा 2 नंबर, 105 डिग्री पश्चिमी। यहाँ पर आप देखेंगे कितने शानदार ऑप्शन दिए हैं एग्जामिनर, 105 डिग्री पूर्वी और 105 पश्चिमी, तो इसका आंसर होगा 105 डिग्री पश्चिमी, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23, छोटी एवं तीव्र नदियाँ जो पश्चिमी घाट से निकलकर उत्पन्न होकर अरब सागर में जाकर मिलती है, उदाहरण है? 23 का आंसर होगा 3 नंबर, समानांतर अपवाह का। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में वर्षा की परिवर्तिता निम्नतम पाई जाती है? 24 का आंसर होगा 1 नंबर, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में। क्वेश्चन नंबर 25, किस सतह का एल्बिडो सर्वाधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा 1 नंबर, ताज़ा गिरी बर्फ। क्वेश्चन नंबर 26, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। 26 का आंसर होगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 ए का है पाइराइट्स सिक्कर में और बेटो नाइट बाड़मेर बीकानेर में। 3 नंबर लिथियम अजमेर में और सलेटी पत्थर अलवर में। आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 3 नंबर। हाँ, तीन नंबर है इसका आंसर, 27 का 3, केली नी हेवी साइट परत, सामने लिख रखा है डी परत आयन मंडल, ये सुमेलित नहीं है। 28, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नांकित कथनों का परीक्षण करें? 28 का आंसर होगा 3 नंबर, अ ब तथा स, ए ब स सही है। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान के कृषि विभाग के मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29 का 4 नंबर, नवीन उत्पत्ति वाली भूरी मृदा जैसलमेर पाली तथा नागौर, ये गलत है, इसका आंसर होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा 2 नंबर,
सही कारकों का चयन करना है। इसका आंसर होगा दो नंबर है, बस सही है। है मैंने लिख रखा है सनातनी पवन, वह मैंने समुद्र तल के तापमान के अंतर, ये भी सही है। समुद्र जल की लवणता में अंतर, ये भी सही है। तो बस दो नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, चंद्रमा की कला कलाओं की कौन सी दशा में लघु जवार आता है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा एक नंबर, प्रथम एवं तृतीय चतुर्थांश। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में लाख का प्रधान एवं मुख्य उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा चार नंबर, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, जलयान, निर्माण उद्योग और अवस्थितिकी। 33 का आंसर होगा तीन नंबर, मझ गांव डाक लिमिटेड मार्गा गांव, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसका आंसर 34 का आंसर भी तीन, फेरल के नियम अनुसार पवने उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, ये गलत है। ये तो देखना आपको सही नहीं है, सही नहीं बताना आपको, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, टूजो विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा एक, ज्वालामुखियों की उत्पत्ति के से अंतरा प्लेट। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में भौतिक आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। 36 का आंसर होगा तीन नंबर, केवल ए तथा सी सही है। ए में लिख रखा है थार मरुस्थल में बालुका स्तूपों के मध्यवर्ती निम्नवर्ती गर्त मरहो कहलाते हैं, जबकि सी में लिख रखा है राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित डोरा पर्वत अरावली पर्वतों का हिस्सा है। तो दोनों सही है, कथन सही सुनना सही है। 37, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, सहायक नदी और मुख्य नदी। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा एक नंबर, बांडी बेड़च, एक आंसर होगा एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 38, पाट क्षेत्र अवस्थित है। 38 का आंसर होगा चार नंबर, छोटा नागपुर पठार में। 39, क्वेश्चन नंबर 39, किसी वस्तु के उत्पादक के पूर्वी वक्र को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस घटक को स्थिर नहीं माना जा चाहिए। इसका आंसर होगा 39 का आंसर होगा तीन नंबर, वस्तु की कीमत। क्वेश्चन नंबर 40, शाख नियंत्रक की गुणात्मक पद्धति है। 40 का आंसर होगा तीन नंबर, न्यूनतम उधार दरें, तीन नंबर 40 का तीन आंसर। 41, क्वेश्चन नंबर 41, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन उपलब्ध कराता है। 41 का आंसर होगा एक नंबर, NSSO। क्वेश्चन नंबर 42, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है। 42 का आंसर होगा दो नंबर, बाजार मूल्य पर NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। क्वेश्चन नंबर 42 का दो। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा किसी देश के लोगों के आर्थिक कल्याण को दर्शाने वाला एक सूचक है। 43 में एक नंबर, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किसे विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाता है। 44 का आंसर होगा चार नंबर, मूल्यह्रास। क्वेश्चन नंबर 45, व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को अनिच्छुक होते हैं कहलाते हैं, एक नंबर स्वैच्छिक बेरोजगार। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 46,
आर्थिक उदारीकरण का मुख्य तत्व है। 46 में चार नंबर उपयुक्त सभी। 47 भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ। 47 का आंसर होगा दो नंबर 1991। अड़तालीस निम्न में से कौन सी तटस्थ वक्र की विशेषता नहीं है। 48 में होगा तीन नंबर वे परस्पर समानांतर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी की रेखा को अधिकतर परिभाषित करता रहता है। 49 का आंसर होगा चार नंबर कैलोरी उपभोग। क्वेश्चन नंबर 50 संतृप्ति के बिंदु पर किसी वस्तु की कुल उपयोगिता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा तीन नंबर अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 51 भारत की नवीनतम विदेशी व्यापार नीति की समयावधि है। 51 का एक नंबर क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर होगा एक नंबर 15 से 2020। क्वेश्चन नंबर 52 समान मांग वक्र पर नीचे की ओर गति दर्शाती है। 52 का आंसर होगा दो नंबर पूर्ति का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 53 भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तविक शिल्पकार कौन थे। 53 का आंसर होगा एक नंबर पी सी महाल नोबिस। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। 54 का आंसर होगा दो नंबर जनता को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 55 सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के मापन का अर्थ मुद्रा के किस कार्य से लगाया जाता है। 55 का आंसर होगा दो नंबर लेखे की इकाई। 56 उपभोक्ता के साम्य बिंदु पर निम्न में से कौन सी शर्त पूर्ण होती है। 56 का आंसर होगा एक नंबर MRSXY = PXPY एक नंबर। 57 निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा हाल ही के वर्षों में भारत के वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यातों में सर्वाधिक है। 57 एक नंबर महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 58 जुलाई 2018 में नई दिल्ली में दिल्ली डायलॉग के 10वें संस्करण का संबंध किस के साथ भारत की संलग्नता से है। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर होगा तीन नंबर आसियान। 59 किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली को अंतः स्थापित किया गया है। 59 का आंसर होगा तीन नंबर 44वां संशोधन। 60 संविधान संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। 60 का आंसर होगा एक नंबर केवल एक सही है। एक ऐसा संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। सही बात है। 60 का आंसर होगा एक नंबर 61। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। 61 का आंसर होगा चार नंबर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संबोधित करता है। 62 निम्नांकित में से कौन लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थक है। 62 का आंसर होगा एक नंबर रूसो। क्वेश्चन नंबर 63 छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा के उन्मूलन के ऑपरेशन का कोट नाम है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर होगा तीन नंबर ऑपरेशन ग्रीन हार्ट।
क्वेश्चन नंबर 64, हनबन कोटा बंदरगाह में चीन की भूमिका के कारण किस पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं? 64 का आंसर होगा 4, श्रीलंका। 65, निम्नांकित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की अनुरूपता में सही है? 65 का आंसर होगा सही नहीं है। 65 का आंसर होगा 3 नंबर। माना कि ये राजनीतिक सिद्धांत का विकास 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 66, प्रभुत्व के साधन के रूप में शक्ति की संकल्पना के बजाय किसने शक्ति की संकल्पना का वर्णन सहमति पर आधारित शक्ति के रूप में किया है? 66 का आंसर होगा 3 नंबर, हन्ना अरेंट। 67, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता इनकी उद्देशिका में विशेषता उल्लिखित नहीं है? 67 का आंसर होगा 2 नंबर, संसदीय। 68, निम्नांकित में से उस संसदीय समिति को पहचानिए जो स्थायी समिति नहीं है? 68 का आंसर होगा 2 नंबर, आचार समिति। क्वेश्चन नंबर 69, किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया है कि मूल अधिकार एवं राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के मध्य समरसता यानी साम्यवाद भाव संविधान के मूल ढांचे का आवश्यक लक्षण है? 69 का आंसर होगा 3 नंबर, 69 का आंसर होगा 3 नंबर, मिनर्वा मिल्स वाद 1980। जी हाँ, 69 का आंसर होगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 70, राज्य की नीति के निम्नांकित निदेशक तत्वों में से कौन सा 142वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित नहीं किया गया है? 71, क्वेश्चन नंबर 71, 71 का आंसर होगा 1 नंबर, राज्य विशिष्टता आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। 70 का आंसर होगा 1 नंबर। 71, किस राज्य की राजनीति वोकवा लिवा एवं लिंगायत जातियों में ध्रुवीयकृत है? 71 का आंसर होगा 2 नंबर, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर बहत्तर का आंसर होगा 3 नंबर, आंतरिक शिकायत समिति। 72 का आंसर होगा 3 नंबर, जी हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर होगा 4 नंबर, केवल ए तथा 2 सही है। ए में क्या लिख रखा है? भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्दावली का कोई उल्लेख नहीं है। 2, मेनका गांधीवाद के बाद से न्यायालय यह जांच करता है कि कानून की उचित प्रक्रिया का अनुसरण हुआ है या नहीं। इसका आंसर होगा 73 का आंसर होगा 3 नंबर, सॉरी 73 का आंसर होगा 4 नंबर, ए और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नांकित में से क्या राजनीति सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? 74 का आंसर होगा 2 नंबर, प्रत्यक्षवाद। क्वेश्चन नंबर 75, शक्ति प्लस औचित्य पूर्णता कहलाती है? 1 नंबर, आंसर होगा 1, सत्ता।
क्वेश्चन नंबर 76, राज्यों के समूह को पहचानिए जिस पर पंचायतों के प्रभावधान अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 लागू नहीं होता है। इसका आंसर होगा 2 नंबर, असम, मेघालय, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 77, समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधों द्वारा जुड़े होते हैं, परिभाषित किया है। ये SS का पेपर है, प्लीज इसकी फाइनल की के अनुसार ही आंसर बताए जा रहे हैं। 77 का आंसर होगा 1 नंबर, FH गिडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किस अवधारणा में MN श्रीनिवास ने जाति गतिशीलता को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों की प्रक्रिया के रूप में समझाया है। 78 का आंसर होगा 2 नंबर, सांस्कृतिकरण। 79, एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 1 दिसंबर को एड्स दिवस कब आता है? 1 दिसंबर को। 2 नंबर आंसर होगा। 80, निम्न में से किस समाजशास्त्रीय ने सांप्रदायिकवाद के 6 आयामों की व्याख्या की है? 80 का आंसर होगा 3 नंबर, T.K. Woman। क्वेश्चन नंबर 81, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं? इसका आंसर होगा 4 नंबर, हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? प्लीज ऐसे तो वही क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चन और आंसर बताए जा रहे हैं, फिर भी कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, बाय चांस मुँह से गलत निकल जाता है तो माफ़ करें। 82 का आंसर होगा 2 नंबर, संस्कार। 83, इनमें से कौन सा एक विचारक सामाजिक परिवर्तन के रैखिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? 83 का आंसर होगा 2 नंबर, पेरेटो। 84, जाति एक बंद वर्ग है, किसका कथन है? 84 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर होगा 3 नंबर, मजूमदार एवं मदन। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न का सही मिलान करें, पुस्तकों के नाम और लेखक दे रखे हैं, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक का मिलान करेंगे तो 85 इसका होगा द PH प्रभु, 2 मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, इसका आंसर होगा C.K.M. कपाड़िया। 3, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, इसका 3 में B, वेस्टर मार्क। 4, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इसका आंसर होगा 1, हीरावती करवे। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयत्न समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को नहीं दर्शाता? 86 का आंसर होगा 2 नंबर, सामाजिक व्यवस्था का
सुधार। क्वेश्चन नंबर 87 समाजशास्त्रीय मानवीय अंतःक्रिया अंतर संबंधों उनकी दशाओं एवं परिणामों का अध्ययन है परिभाषा दी। 87 का आंसर होगा दो नंबर मॉरिस गिन्सबर्ग। 88 जब कोई व्यक्ति दो या अधिक परस्पर विरोधाभासी भूमिकाओं के दायित्वों को धारण करता है तो उसे जाना जाता है। 88 आंसर होगा भूमिका संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 89 निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी। 89 का आंसर होगा एक नंबर ऑस्कर लेविन। क्वेश्चन नंबर 90 जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक समूह का निर्माता कहते हैं एक समूह का निर्माण करते हैं परिभाषा किसने दी है। 90 का आंसर होगा चार होगबर्न एवं निमकॉफ। क्वेश्चन नंबर 91 निम्न में से कौन सा परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है। 91 में तीन धर्म समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार के प्रणेता कौन थे। 92 का आंसर होगा तीन नंबर अगस्त कॉम्प्ट सही है तीन नंबर। क्वेश्चन नंबर 93 प्राथमिक समूह में सामाजिक संबंधों का अर्थ है। 93 में चार आंसर होगा चार संबंध अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। 94 विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है किसने परिभाषित किया है। 94 का आंसर होगा चार बोगार्डस। 96 अर्जित प्रस्थिति निर्धारित होती है। 95 में तीन आंसर शिक्षा। 96 स्थायी कार्यपालक उत्तरदायी होते हैं सही कूट का चयन करना है। 96 में दो और तीन सही है दो में लिख रखा है लोक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए और तीन में लिख रखा है प्रशासन में निरंतरता बनाए रखने के लिए और सब गलत है सही कूट का आंसर करना है इसमें सही उत्तर का चयन करना है तो दो और तीन सही है आंसर होगा दो नंबर। लोक प्रशासन की प्रक्रिया प्रकृति के बारे में एलडी व्हाइट किस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। एक नंबर एकीकृत। 89 इनमें से कौन सा एक विचार सबसे पुराना माना जाता है। 98 का आंसर होगा एक नंबर लोक प्रशासन एवं एक गतिविधि के रूप में। सूची एक और सूची दो को सुमिलित करें नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। 99 का आंसर होगा एक नंबर एक में लिख रखा है ए में एक बी में तीन सी में चार और डी में दो। ए गुलिक का होगा पोस्ट कॉर्ब। साइमन का होगा तीन नंबर निर्णय निर्माण। टेलर का होगा चार। कार्य विज्ञान का विकास मेस्लो का होगा दो। मानव आवश्यकता पद सोपान इसका आंसर होगा एक नंबर। लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति में सम्मिलित है। आंसर होगा दो नंबर। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर होगा दो नंबर दो में लिख रखा है एक तीन और चार सही है सही उत्तर ही चुनना है आपको इसमें। तो अब देखेंगे एक नंबर में लिख रखा है प्रधानमंत्री
3 में लिख रखा है, लोकसभा अध्यक्ष 4 में लिख रखा है, लोकसभा में विपक्ष का नेता 101, एक आंतरिक लालसा जो व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करती है उसे कहते हैं, सॉरी 101 का आंसर उत्साह 3 नंबर। 102 क्वेश्चन नंबर 2, वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन विषय के जनक के रूप में जाना जाता है क्योंकि, इसका आंसर होगा 2 का 2, उसने लोक प्रशासन के सिद्धांत का विकास किया। क्वेश्चन नंबर 3, मानव संबंध सिद्धांत जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 2 नंबर। 1 और 4, 1 में लिख रखा है लोगों पर, 4 में लिख रखा है अनौपचारिक समूह पर। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने भारत में लोकसभा एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी। 4 का आंसर होगा 1 नंबर, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। क्वेश्चन नंबर 5, साइमन के अतिरिक्त कौन से विचारक जो को निर्णय निर्माण प्रक्रिया के एक अर्थपूर्ण विश्लेषण के लिए जाना जाता है। 5 में 1 फेयोल। क्वेश्चन नंबर 6, लोक प्रशासन का जन्म हुआ था मुख्यतया, 6 का आंसर होगा 1 नंबर, मानव कल्याण की उत्पत्ति हेतु। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 5 2005। क्वेश्चन नंबर 8, हर्ज़बर्ग के अनुसार निम्नांकित में से कौन से अभिप्रेरक है। 8 का आंसर होगा 2 नंबर, 2 में लिख रखा है, सही उत्तर चुनना है कूट से आपको, 8 का आंसर है 2, 2 में लिख रखा है, 2, 4 और 5 सही है। 2 में है पहचान या मान्यता, 4 में है कार्य दशा और 5वां उपलब्धि। क्वेश्चन नंबर 9, परिवर्णी शब्द पोस्ट कॉर्ब में कौन सा अक्षर उस शब्द को इंगित करता है जिसका अर्थ आदेश एवं निर्देशन जारी करता है। 9 का आंसर होगा 4 नंबर, बी। हाँ सही है, 9 का आंसर होगा 4 नंबर जिसमें लिख रखा है बी। क्वेश्चन नंबर 10, संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत का मुख्य रूप से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर, इसमें भी नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें, सही उत्तर का चयन करना है, इसका आंसर होगा 4 नंबर, केवल 1 2 3 4 सभी से 4 सही है, 1 2 3 4 4 सही है, 5वां गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं टेलर के वैज्ञानिक सिद्धांत प्रबंधन से संबंधित है। 11 का आंसर होगा 2 नंबर, अनौपचारिक संगठन और आदेश की एकता। 12, मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित आदर्श प्रारूप नौकरशाही की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। 12 का आंसर होगा 1 नंबर, कैरियर सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 13, एक जिला अधीक्षक मूलतः होता है। 13 का आंसर होगा 4, एक पत्रकार। क्वेश्चन नंबर 14, डेकार्त के मत में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के 2 स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा 3 नंबर, सहज ज्ञान एवं अनुभव। क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध मत में चतुर्थ आर्य सत्य व्यक्त करता है कि 15 में 2 नंबर, दुख का कारण है। क्वेश्चन नंबर 16, उपनिषदों में जागृत अवस्था में आत्मा को कहा जाता है।
सोलह, सोलह में तीन नंबर प्राग, प्राग्ञ सॉरी प्राग्ञ, सोलह, सोलह का तीन। क्वेश्चन नंबर सत्रह, सही युग्म का चयन कीजिए, सत्रह, सत्रह में तीन बेंथम, सुखों में केवल मात्रात्मक भेद है। क्वेश्चन नंबर अठारह, जैन दर्शन में पंच महाभारत है, अठारह, अठारह का आंसर होगा दो नंबर सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, अठारह, अठारह का आंसर होगा दो नंबर। उन्नीस, गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही नहीं है। उन्नीस, उन्नीस में एक सत्य तथ्यों का प्रत्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर बीस, वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर बीस, बीस का आंसर होगा दो नंबर समाज तथा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर इक्कीस, वैदिक दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति व्याख्या निम्न में पाई जाती है। इक्कीस, क्वेश्चन नंबर इक्कीस, इक्कीस का आंसर होगा चार नंबर उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर बाईस, सुकरात के अनुसार ज्ञान ज्ञान बताना है। बाईस, बाईस का आंसर होगा चार नंबर सदगुण की आवश्यक और पर्याप्त शर्त है। तेईस, नैतिकता निम्न में से सॉरी निम्न के लिए उत्तरदायी नहीं है। तेईस, तेईस का आंसर होगा दो नंबर सॉरी अनैतिक कर्म। चौबीस, दंड का कौन सा सिद्धांत अपराध को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में स्वीकार करता है। चौबीस, चौबीस का आंसर होगा चार नंबर सुधारवाद। क्वेश्चन नंबर पच्चीस, परम पुरुषार्थ है। पच्चीस, पच्चीस का आंसर होगा चार नंबर मोक्ष। छब्बीस, गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञा का सॉरी प्रज्ञा वह है जो। छब्बीस, छब्बीस का आंसर होगा तीन नंबर सफलता और असफलता में संभाव रखता है। सत्ताईस, निम्नलिखित में से किस देवता को ऋत का संरक्षक कहा जाता है। सत्ताईस, सत्ताईस का आंसर होगा तीन नंबर वरुण। अट्ठाईस, एक सौ अट्ठाईस, सूची एक और सूची दो को मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अट्ठाईस, अट्ठाईस का आंसर होगा दो नंबर, अट्ठाईस का आंसर होगा दो नंबर स्थूल उपयोगितावाद मैंथम की है और सुसंस्कृत उपयोगितावाद मील की है और मुख्य सदगुण प्लेटो का है और निरपेक्ष आदेश कांट का है। इसका आंसर होगा दो नंबर। उनतीस, कांट के अनुसार केवल वही कर्म कर्तव्य है जिसका आधार सिद्धांत है। उनतीस, उनतीस का आंसर होगा दो नंबर कर्तव्य, कर्तव्य के लिए। तीस, प्लेटो के स्वीकार्य है। तीस, तीस का आंसर होगा तीन नंबर मुख्य सद्गुण। इकतीस, कक्षा में सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इकतीस, इकतीस में एक नंबर साधन के रूप में। बत्तीस, शिक्षण में प्रायोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि चार, इसका आंसर होगा चार, करके सीखने स्थायी होता है, करके सीखना स्थायी होता है। तैंतीस, सामाजिक अध्ययन विषय में पर्यटन निम्न दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तैंतीस, तैंतीस में दो प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन के लिए सॉरी इसका ज्ञानार्जन दो नंबर। चौंतीस, सामाजिक अध्ययन के किसी बड़े टॉपिक के सिंहावलोकन हेतु निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। चौंतीस, चौंतीस का आंसर होगा चार नंबर व्याख्यान विधि। क्वेश्चन नंबर पैंतीस, एन सी एफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा
विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे 35 का आंसर होगा एक नंबर समाज में शांति का आधार बने। क्वेश्चन नंबर 36 जॉन डेवी के द्वारा दिए गए परावर्तक चिंतन के अवस्थाओं में निम्नांकित में से कौन समाहित नहीं है। 36 का आंसर होगा 4 नंबर आरंभ। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नांकित में से कौन सा चरण हर्बर्ट उपागम एवं मॉरिसन उपागम में समान है। 37 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 138 सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है वह है। 38 में आंसर होगा 3 नंबर तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान रखे। 39 निर्मितवादी शिक्षण उपागम में निम्न गतिविधियां सम्मिलित हो सकती है। इसका आंसर होगा सभी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 40 सामाजिक अध्ययन एक शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है। 40 इसका आंसर होगा 4 नंबर उपयुक्त सभी में। 41 सामाजिक अध्ययन विषय संबंधित है। 41 को RPSC के द्वारा डिलीट कर दिया गया है, इसमें कुछ मिस्टेक है, प्लीज इसका आंसर ना देखें। 42 सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए। 42 का आंसर होगा, इसमें आप बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से सोचिए, छोटा सा क्वेश्चन है, प्लीज जल्दी से सोचिए क्या हो सकता है इसमें, सोचिए, हाँ जल्दी कम ऑन। इसका आंसर होगा 3 नंबर विद्यार्थी प्रधान। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नांकित में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में सही नहीं है। 43 का आंसर होगा 1 नंबर पोस्टर प्रक्षेपी सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 144 सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। 144 इसका आंसर होगा सामाजिक गुणों का विकास करना, आंसर नंबर 4। 145 किसी भी विषय को अन्य विषयों से सहसंबंधित कर पढ़ाना आवश्यक है क्योंकि 45 का आंसर होगा सभी विकल्प सही है, आंसर 4 नंबर। 46 उचित व्यवहार के विकास के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाना चाहिए। 46 का आंसर होगा प्रशंसा। 47 सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। 47 का आंसर होगा सैतालीस का आंसर होगा 4 नंबर समाजोपयोगी विशेषताओं का विकास होता है। 48 सामाजिक अनुवाचन विधि के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 48 का आंसर होगा 4 नंबर, इसका भी आंसर होगा 4 नंबर, इसमें व्यर्थ चर्चा का कोई खतरा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा 4, सही है। 149 सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि, इसका आंसर होगा 3 नंबर 149 का आंसर होगा 3 नंबर विद्यार्थियों में आलोचनात्मक समझ विकसित हो, इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 150
निम्नांकित में से कौन सा हर्बर्ट उपागम का एक चरण नहीं है? इसका आंसर होगा, प्लीज लास्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए, जल्दी जल्दी कीजिए, सोचिए। इसका आंसर होगा चार नंबर, कोई विकल्प सही नहीं है। इस तरह आप देखेंगे कि ये 150 क्वेश्चन थे जिसके हम सबने मिलकर इनका आंसर देखे हैं। हो सके तो कोई क्वेश्चन गलत हो जाए बाय चांस तो माफ़ करना, सॉरी उसके लिए। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, अपनों तक पहुँचाएँ, दोस्तों तक पहुँचाएँ, जिसे भी ये शानदार क्वेश्चन 150 वो भी देख सके, पढ़ सके। प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।